यार यूएसए कितना मस्त है ना, आजकल सभी जा रहे हैं। क्या मस्त है भाई, क्राइम कितना बढ़ रहा है वहां पे देख जरा। इनफैक्ट ये आए दिन वहां से नए नए सीरियल किलर्स निकलते रहते हैं। अबे यार क्या मनहूस बातें करती है, क्राइम तो हर जगह ही है, पर तू ये देखना कितनी सुंदर जगह है यार। इसको देख, द ग्रैंड कैनियन, लैंडस्केप कितना प्यारा है। ग्रैंड कैनियन, तुझे पता है ना टेड बंडी यूएस के डिफरेंट पार्ट से ऑपरेट करता था अपने विक्टिम्स को ठिकाने लगाने के लिए, इंक्लूडिंग द ग्रैंड कैनियन। भाई एक इंसान की डार्क हिस्ट्री से कब तक जगह को जज करती रहेगी। हाँ वैसे जज तो नहीं करना चाहिए, बट एक बार सोच के देख, सीनिक ब्यूटी एंजॉय कर रही है तू उस जगह की, और तभी एकदम से तुझे क्लिक करे कि यहाँ पे तो एक किलर ने अपने विक्टिम को दफनाया था। अगर नहीं इमेजिन कर पा रही है तो रुक, तुझे और ऐसी 5 places बताती हूँ सीरियल किलर से रिलेटेड। आप भी सुनते रहना इसके साथ साथ, कहीं जाना मत, और हाँ सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट है जेफरी डामर्स अपार्टमेंट इन मिलवॉकी यूएसए। मिडवेस्टर्न यूएस में एक स्टेट है विस्कॉन्सिन नाम का, इसी स्टेट की लार्जेस्ट सिटी है मिलवॉकी, और यहीं से आता है हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट टेरिफाइंग सीरियल किलर जेफरी डामर। जी हाँ, वही जेफरी डामर जिसके ऊपर हाल ही में नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी जो काफी पॉपुलर हुई थी। जेफरी को मिलवॉकीज कैनिबल या मिलवॉकीज मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने 17 आदमियों को मारा था। कई लोगों के बॉडी पार्ट्स कंज्यूम भी किए थे और इनके स्केलेटन्स भी प्रिजर्व किए थे। पुलिस के पूछे जाने पे इसने कहा था, आई डिडंट वांट देम टू लीव, यानी मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे छोड़ के जाए। दूसरा है रोस्टोफोंडोन, द किलिंग फील्ड्स ऑफ एंड्रे चिकाटिलो, रशिया। रोस्टोफोंडोन सदर्न रशिया की थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, और ये वही सिटी है जहां से आता है हमारा दूसरा सीरियल किलर एंड्रे चिकाटिलो। इसको बचो ऑफ रोस्टोफ और रेड रिपर के नाम से भी जानते हैं। इसने कुल मिला के 56 मर्डर्स कन्फेस किए थे, जिसमें से 52 औरतों के मर्डर के लिए ये कॉन्विक्ट हुआ था। इसने कई टीनेज लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था एज अ टीचर, एंड इसकी फर्स्ट मर्डर विक्टिम की बॉडी मिली थी ग्रुशेवका रिवर के पास। थर्ड है सेसिल होटल, लॉस एंजलिस, यूएसए। ये लॉस एंजलिस का वो फेमस होटल है जहां रिचर्ड रैमिरेस रहता था, जो कि अमेरिका का वो फेमस सीरियल किलर था जिसे हम नाइट स्टॉकर के नाम से भी जानते हैं। इसने इस होटल में तो मर्डर्स किए ही थे, बट इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को से लेके कैलिफोर्निया तक इसने अपनी छाप छोड़ी हुई थी। इन टोटल इसने 13 मर्डर्स किए थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वर रियली क्रूअल। इनफैक्ट इसने अपनी एक विक्टिम को मार के उसकी आंखें एक ज्वेलरी बॉक्स में रख ली थी सोवेनियर के तौर पे। फोर्थ, टेड बंडीज किलिंग ग्राउंड्स, वॉशिंगटन, ऑरेगॉन, उटा, यूएसए। यानी यूएस में बहुत सीरियल किलर्स हैं नहीं? तो ये एक और सीरियल किलर है जिसका नाम आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। टेड बंडी ने इन ऊपर बताई सारी जगहों पे अपना थ्रेट फैलाया था और अपना पहला मर्डर कुछ 1971 में सियाटल के आसपास किया था। टेड बंडी ने कुछ 30 मर्डर्स कन्फेस किए थे। इनफैक्ट बंडी की वॉक्सवैगन बीटल जिसमें उसने मेजर क्राइम्स किए थे कई म्यूजियम्स में भी रखी गई है टू शोकेस, जैसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट एंड अल्कट्राज ईस्ट क्राइम म्यूजियम इन पिजन फॉर्ज, टेनेसी। एंड लास्टली हमारा फिफ्थ, यॉर्कशायर मॉज, इंग्लैंड, यूके। इंग्लैंड में पाई जाने वाली ये जगह एक बरियल ग्राउंड बन चुका था हमारे इस वीडियो के आखिरी सीरियल किलर के लिए। इसका नाम था हैरल्ड शिपमैन। इस सीरियल किलर ने 250 लोगों को अपना विक्टिम बनाया था, जिसमें से 15 इसके पेशेंट्स थे। जी हाँ, ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर था। ये अपने पेशेंट्स को मॉर्फिन की हाई डोजेस देने के बाद उनकी बॉडी शहर के अलग अलग जगहों पर डिस्पोज कर देता था, जिसमें से एक जगह थी यॉर्कशायर मॉर्स। तो ये थी 5 ऐसी सिटीज एंड प्लेसेस जो इन सीरियल किलर्स की वजह से काफी दहशत में रही। इनमें से कई प्लेसेस तो हॉन्टेड भी कही जाती है, बट जस्ट थिंक अबाउट द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। इसीलिए कहते हैं कि एक छोटी सी गलती या गलत इंसान पे भरोसा आपको काफी भारी पड़ सकता है, इसलिए समझदार बनिए और अपने आसपास के लोगों को लेकर अलर्ट रहिए। क्या पता किसकी कैसी साइकोलॉजी हो और कौन सीरियल किलर निकल जाए। सो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज टू गेन नॉलेज एंड ग्रैब मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।